Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. वो कभी भी पतित नहीं रहता है। बुद्ध कहते हैं कि हे परिवर्जको, श्रेष्ठ जीवन के लिए जीवन के मापदंड होने चाहिए। पांचों मित्र पूछते हैं वो मापदंड क्या है। बुद्ध कहते हैं वो पांच मापदंड है। पहला मापदंड है पाणातिपाता वेर मणि सिक्खा पदं समाधियामि। मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। ध्यान से समझना, प्राणी हिंसा से विरत रहने की, दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। कुछ लोग अनजाने में इसे प्रतिज्ञा कहते हैं, मैं प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूं। प्रतिज्ञा नहीं है, ग्रस्त के लिए प्रतिज्ञा नहीं है। ग्रस्त गलतियां करता रहता है, उसे सीख लेनी है। मैं प्राणी हिंसा से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। जब व्यक्ति ये जान जाता है कि हिंसा करने से मेरा जीवन सुखी नहीं होगा, तभी तो बचेगा। तथागत कहते हैं जो व्यक्ति दूसरे जीव को कष्ट देता है उसके जीवन में कष्ट ही लौट करके आते हैं। अगर हम किसी को कष्ट देंगे तो हमारे जीवन में कष्ट ही लौट करके आएंगे। हमने कष्ट दिया है तो कष्ट ही आ रहा है, बस यही समझ में आ जाना चाहिए। अगर सुखी रहना है तो दूसरों को कष्ट मत बांटो, दूसरों को कष्ट मत दो, किसी भी जीव को कष्ट मत दो। आपके जीवन में भी कष्ट नहीं आएगा, और आ भी गया तो ठहरेगा नहीं, क्योंकि ठहरने की तो जगह ही नहीं है। ठहरने का पड़ाव तो जब बनता है जब हम उस पड़ाव पर बार बार रुकते हैं। जब आप किसी को बार बार कष्ट देंगे तो आपके जीवन में तो कष्ट का आरामगाह बन जाएगा, कष्ट आएगा और ठहर ही जाएगा। जब हम कष्ट को छूते ही नहीं है तो कष्ट पास से गुजर जाएगा, आपको रति भर भी तकलीफ नहीं होगी। और जो व्यक्ति पाणातिपाता का अभ्यास कर लेता है वही प्रसन्नचित रहता है। हम हिंसा क्यों करते हैं? हम हिंसा अभाव में करते हैं। जब हमारे चित्त में अभाव पैदा होता है, जो भाव पैदा हुआ था उसकी पूर्ति नहीं होती है, जो इच्छा पैदा हुई थी उसकी पूर्ति नहीं होती है, जो हम चाहते हैं वैसा नहीं होता है, जिससे हम उम्मीद करते हैं वो वैसा नहीं कर पाता है, तब हमें क्रोध आता है। तो समझ लेना, क्रोध अभाव का, अभाव के कारण पैदा हुआ है। जो चीज चाह रहे थे वो नहीं मिली तो क्रोध आ गया। आपने किसी को काम दिया उसने नहीं किया तो क्रोध आ गया। आपने किसी को ठीक काम करने के लिए बोला उसने गलत काम कर दिया तो क्रोध आ गया। और जो ही क्रोध आता है उसका पहला काम है कि वो उस व्यक्ति की बुद्धि पर नियंत्रण कर लेता है। जब तक क्रोध नहीं आया तब तक आप हैं। जो ही क्रोध आया उसका पहला काम कि आपके मस्तिष्क से नियंत्रण आपका हटा देता है और अपना आधिपत्य जमा देता है। उसके बाद वो जो भी आदेश देता है शरीर वही करता है, और शरीर क्या करेगा? क्रोध का आदेश हिंसा होती है और हिंसा का परिणाम कष्ट होता है। देखा होगा जीवन में कितने ही लोग हैं छोटी सी बात पर क्रोधित हो जाएंगे, छोटी सी बात कहेंगे कि एकदम से उबल पड़ेंगे, चेहरा लाल हो जाएगा, आंखें भी बड़ी बड़ी हो जाएंगी, आपके से बाहर हो जाएगा, कांपने लगेगा।
जो ही उसका चेहरा लाल हुआ है, इसका मतलब उसके अंदर बहुत बड़ा विस्फोट हो चुका है, उसके मस्तिष्क के नियंत्रण पर दुश्मन की सेना ने कब्जा कर लिया है, अब तो बम ही फटेंगे। जो ही क्रोध ने आपके मस्तिष्क पर नियंत्रण किया, फिर आपका मस्तिष्क आदेश करेगा, वो आपका नहीं होगा, क्रोध का आदेश होगा, और क्रोध का आदेश हिंसा को जन्म देगा। इसलिए समझ जाए इस बात को कि क्रोध नहीं आया तब तक आप हैं, जो ही क्रोध आ गया उसके बाद आप नहीं है, फिर तो क्रोध ही आप बन गए। बुद्ध कहते हैं कि क्रोध आना स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्रोध तो आएगा, इसे बचा कैसे जाए? इसे बचने का बस एक ही मात्र रास्ता है कि जाग जाए सजगता। जो ही हम जाग जाएंगे फिर क्रोध क्रोध नहीं होगा, करके देखना। जो ही क्रोध आने को होगा, आपके शरीर में एक अलग तरह की हलचल होगी। जो ही क्रोध आने को होता है, शरीर में एक अलग तरह की हलचल होगी, और वो हलचल जो ही बढ़ने लगती है, आपका नियंत्रण खत्म होने लगता है, उस वक्त तक जागना बहुत जरूरी है। जो ही जाग जाओगे पता लग जाएगा कि मेरे चित्त पर किसी और का नियंत्रण होने वाला है, और जिसका नियंत्रण होने वाला है वो मेरा मित्र नहीं, वो मेरा दुश्मन है, शत्रु है। आपका जाग जाना बर ही उस क्रोध को बाहर कर देगा। भले ही क्रोध के कारण आपका हाथ टूट गया हो, लेकिन जो ही जाग जाओगे हाथ नीचे आ जाएगा, और जब जाग जाओगे आपको लगेगा दुर्घटना होने वाली थी, मैं तो संभल गया, दुर्घटना होने वाली थी, मैं संभल गया। एक बार जाग जाओगे तो जागना भी आ जाएगा, क्रोध फिर भी आएगा, फिर भी जाग जाओगे, क्रोध फिर आएगा, फिर जाग जाओगे। अब क्रोध आ रहा था और हम देख रहे थे, फिर हम जाग रहे थे, क्रोध वापस आ रहा था। लगातार लगातार ऐसा करते रहने से एक वो भी अवस्था आएगी, क्रोध आएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा, और क्रोध चला भी जाएगा। क्रोध आएगा आपको पता भी नहीं लगेगा, क्रोध चला भी जाएगा, क्योंकि क्रोध आया तो था लेकिन आपकी सजगता को देख करके दूर से ही चला गया। जब पहले आता था तो वो ऊपर के दरवाजे पर दस्तक देता था, इस बार आया तो दरवाजे को छू भी नहीं पाया। आप जागे हुए मिले, और जागे हुए मिले तो क्रोध कुछ नहीं करेगा। अभ्यास करके देखना जीवन में, बहुत से लोग बहुत क्रोधी स्वभाव के होंगे। महिलाओं को लगता है कि वो क्रोध नहीं करती हैं, एक बार घर में सीसीटीवी कैमरे लगाकर देख लो, उनमें कितनी बार क्रोध करती हैं। जितनी बार बच्चों के तमाचे लगे हैं वो क्रोध करना ही तो है, जितनी बार बच्चों को डांट पड़ी है वो क्रोध करना ही तो है। कितनी बार आप किसी को डांटती भी नहीं है, अंदर ही अंदर अपने आप को कोसती है, वो क्रोध ही तो है। जहां भी आप असंतुष्ट होती हैं वहां क्रोध ही पैदा होता है, और वो क्रोध दुख पैदा करता है। जाग जाना क्रोध को खत्म कर देता है। जो व्यक्ति बार बार अभ्यास कर लेता है, जागने का अभ्यास कर लेता है, उसके पास क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि जब क्रोध आएगा तो घर में तो कोई सम्मान है नहीं। क्रोध भी सोचेगा मैं इस घर में क्या करूं आकर के, मेरे को पूछता तो है ही नहीं, फिर आए भी नहींगा। और जिस दिन क्रोध का आना बंद हो गया, बात तो बुरी थी लेकिन आपको क्रोध नहीं आया, बच्चे ने कहा नहीं माना, बात तो बुरी थी आपको क्रोध नहीं आया, बच्चा गलती पर किए जा रहा मानता नहीं है आपको क्रोध नहीं आया, उस समय एक और अनुभूति होती है, उस अनुभूति को करके देखना। जो ही क्रोध आना बंद होगा, जो घटना
क्रोध पैदा करने का कारण बनी थी, अब वही घटना करुणा पैदा करने का कारण बनती है। यह सील का प्रभाव है। जो ही क्रोध आना बंद हो जाएगा, जिस घटना के होते ही आपको क्रोध आता था, अब वही घटना घट रही है। अब चित्त में क्रोध नहीं, चित्त में करुणा पैदा हो गई है। छोटा सा उदाहरण देता हूं, बहुत छोटा सा। महिलाओं के साथ तो बहुत बार होता है, घर में बच्चे के हाथ से कुछ गिलास टूट गया, जो ही गिलास टूटा मम्मी को आहट सुनाई थी, आवाज लगाती क्या हो गया, लगता कि तुम तोड़ दिया होगा, बच्चा सहम जाता है, हाँ मम्मी टूट गया, बस अब तो मम्मी दौड़ करके आएगी, एक तमाचा मुंह पे मारेगी। ये क्रोध के कारण उसका प्रभाव है। पहली बार जब क्रोध पर नियंत्रण नहीं था तो घटना घटी, मुंह पे तमाचा लगा, बच्चा भी रोएगा, फिर मां को भी दुख होगा, घर के सभी लोग कहेंगे कि क्या कर दिया, छोटी सी बात थी। वो महिला सजग हो गई, जाग गई, क्रोध को देखना शुरू कर दिया, क्रोध नियंत्रण में आ गया, घटना आज भी वही घटी है। बच्चे के हाथ से गिलास गिरा भी है, टूट भी गया है, उस मां को सुनाई भी दिया, पूछती कि बेटे क्या हो गया, मम्मी जी गिलास टूट गया, दौड़ करके आती, बेटे तुझे चोट तो नहीं लगी, नहीं मम्मी नहीं लगी, चलो कोई बात नहीं, गिलास तो और आ जाएगा, अच्छा है कि तुझे चोट नहीं लगी। जो ही उस महिला ने यह कहा कि अच्छा हुआ कि तुझे चोट नहीं लगी, गिलास तो और भी आ जाएगा, ये शब्द उन शब्दों में करुणा होगी, और वो करुणा आपके व्यक्तित्व का एक अलग ही प्रभाव देगी। जो ही आपने जागने का अभ्यास किया, आपके चित्त में करुणा की उत्पत्ति हो गई, और करुणा की उत्पत्ति हो गई, एक बार करुणा ने आकर के अपना घर बना लिया, कोई वजह नहीं कि आपको क्रोध आ भी जाए। खाली पड़ी जगह पर क्रोध आता है, जहां करुणा बैठी वहां तक क्रोध की संभावना ही नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि अभ्यास करो, सील को आचरण में उतारने का अभ्यास करो। हम कितने लोगों से रोज मिलते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं, कुछ लोग तो अंगीठी के अंगारे की तरह से धधकते रहते हैं, हाथ नहीं लगाओगे तब भी जल जाओगे, हाथ नहीं लगाओगे तब भी जल जाओगे, और जब भी पूछो अंगारे ही बरसते हैं, अंगारे ही बरसते हैं, कुछ तो कहेंगे, कुछ भी हो जाए। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी, मुझे पता है मेरे अंदर कमजोरी है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, और एक बार गुस्सा आ जाए तो मैं किसी की सुनता ही नहीं हूं, और बड़े गर्व से कहेगा, फक्र से कहेगा कि मैं जानता हूं मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है, एक बार क्रोध आ जाए तो मैं किसी की सुनता नहीं हूं। अरे सुनेगा कैसे, तुझ पर तो अपना नियंत्रण ही नहीं है। क्रोध आया जब तक तो तुम अब तुम थे, और जो ही क्रोध आ गया फिर तुम कहां रह गए। अब उन आदमी को कौन समझाए, अगर वो यहां आ जाए तो समझ में आ जाए, क्रोध आने के बाद तो तुम ही नहीं हो, फिर तो किसी और का ही नियंत्रण हो जाता है। और जिस व्यक्ति के चित्त पर किसी और का नियंत्रण हो, वो व्यक्ति व्यक्ति कहां रहता है। प्राणी हिंसा से बचना है तो करुणा का सहारा लेना ही पड़ेगा, और करुणा रेडीमेड नहीं है, बाजार में नहीं मिलती है। जिस प्रकार से अभाव में क्रोध पैदा हुआ था, अब वो अभाव की जगह भाव पैदा हो गया, अभाव खत्म होकर के करुणा ने वहां जगह ले ली, अब नहीं भी हो रहा है तब भी कहें चलो कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा। बहुत से लोगों के जीवन में बीतता है, किसी का बच्चा फेल हो जाए, पिता को उम्मीद थी कि बेटा बहुत बढ़िया नंबर लेके पास होगा, वो फेल हो जाएगा। अब बच्चा तो फेल हो गया सो हो गया, पिता को पता लगा तो वो क्रोध में लाल हुआ बैठा है, और बच्चे को पता है घर जाऊंगा तो मार भी पड़ेगी, और बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं, कोई सुसाइड भी कर लेता है, कोई घर छोड़ के भाग जाता है। क्रोध का ही परिणाम है, दुख ज्यादा मात्रा में आ गया। अगर वहां क्रोध की जगह करुणा होती तो
माता भी कहता बेटे कोई बात नहीं, इस बार जरूर कोई तुमसे गलती हो गई होगी, लापरवाही रह गई होगी, इस बार उसको दूर कर लेना। फेल पास तो होते ही रहते हैं, क्या वो दुर्घटना घटने की संभावना बनती? शील का प्रभाव है, आपके चित्त में करुणा का नियंत्रण होना चाहिए, क्रोध का नहीं। पहला शील समझ में आ गया?